बेमेतरा में हुई घटना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने शांति बनाए रखने की अपील। बच्चों के बीच की लड़ाई में एक नौजवान की हत्या, बनी अत्यंत दुख। रायपुर में दावत रोजा इफ्तार में शामिल हुए सीएम बघेल, प्रदेशवासियों को रमजान की दी मुबारकबाद। प्रदेश में अमन चैन की मांग की दुआ। छुरिया साजा के बिरनपुर में दो समुदाय के बीच हुए खूनी संघर्ष पर बीजेपी हिंदू संगठन ने किया बंद का आह्वान। बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने नगर में घूम कर बंद का आह्वान किया। लोकेशन नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांति पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बेमेतरा में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह घटना नहीं होना चाहिए था। बच्चों के बीच की लड़ाई में एक नौजवान की हत्या हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शिकायत मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मामले पर प्रशासन सख्ती से जांच करेगी। जो भी आरोपी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपना काम करेगा। जो भी आरोपी क्योंकि जो घटना घटी है वो नहीं होना चाहिए था। दो बच्चों की बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नजर रखेंगी है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। कानून अपना काम करेगा। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ। इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है और इसी सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और सभी को रमजान की मुबारक देते हुए प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के पत्र द्वारा पूछे गए सवाल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्र अभी मुझे मिला नहीं है, मिलेगा तो जरूर जवाब दूंगा। वहीं सचिन पायलट के धरने पर बैठने को लेकर स्वयं बघेल ने कहा है कि राजस्थान का मामला है, अशोक गहलोत सुलझे हुए नेता है, पहले भी बहुत सी अड़चनें आई है, मुझे लगता है कि वे सुलझा लेंगे। सभी रोजगारों को रमजान के महीने में ये बहुत ही पवित्र महीना जिसमें सभी रोजगार रोजे रखते हैं, मैं सबको मुबारक देता हूं, सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। देश के अमन चैन के लिए, प्रदेश के अमन चैन के लिए सभी ने दुआएं की, सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो छुरिया साजा के बिरनपुर में दो समुदाय के बीच हुए खूनी संघर्ष को लेकर बीजेपी हिंदू संगठन ने जिले में बंद का आह्वान किया, जिस पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय पटेल, रोमी भाटिया, मनीष जैन ने नगर में घूमकर बंद का आह्वान किया है। में हम पूरा छुरिया नगर को बंद का आह्वान कर रहे हैं, जिसमें हम सभी व्यापारियों का साथ चाहते हैं। नहीं, ये पूरा पार्टी से कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे सर्व समाज का कार्यक्रम है, जिसमें कानून की बढ़ती अव्यवस्था को हम समाज के सामने लाना चाहते हैं और ये बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के विरोध में हम जो है पूरे छत्तीसगढ़ बंद का हमारी पार्टी द्वारा आह्वान किया गया है। और इनके शासनकाल में निर्मम हत्या हो रही है, उस हत्या के विरोध में और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के विरोध में हमारी पार्टी के आह्वान पर एवं विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर हम पूरे छत्तीसगढ़ बंद का
आह्वान करते हैं और निवेदन करते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ को बंद रखने में। राजा के बीरनपुर गांव में दो समुदाय के बीच हुए खुले संघर्ष में भुवनेश्वर साहू की हुई नृशंस हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, जिसमें सूर्यनगर अप्रत्याशित बंद रहा। सुबह से होटल पान ठेला सहित नगर की सभी दुकानें बंद रहीं। विहिप हिंदू संगठन भाजपा नेता सुबह से नगर में नारेबाजी करते हुए भ्रमण करते रहे, इसलिए सूर्यनगर स्वस्फूर्त बंद रहा। लोग चाय पीने के लिए तरसते रहे। बंद के आह्वान के चलते लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं आवश्यक सेवा नगर में चालू रहा। साजा के बिरनपुर में हुए हत्या को लेकर हिंदू संगठन में काफी रोष दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर गांव तक चर्चा हो रही है। आज के बंद में प्रमुख रूप से जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव, जिला भाजपा उपाध्यक्ष चंद्रिका डडसेना, मंडल अध्यक्ष अजय पटेल, जगजीत सिंह भाटिया, भुवनेश्वर साहू, रोमी भाटिया, विहिप अध्यक्ष कुश कुंभकार सहित भाजपा हिंदू संगठन के नेता शामिल हुए। वो देखो कि कोई यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं दे पाती। यहाँ जनता हर वर्ग के एकता से बहुत परेशान है और साहू समाज की खासकर हम तो अब हम उनके जगह जगह ये प्लानिंग बनाई गई कि वास्तव में साहू समाज के ऊपर ही ताकत टारगेट है। बहुत निंदा करता हूँ और तथा कथित हथियारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए और सरकार कानून व्यवस्था सुधार के रखे। जब से सरकार बनी है, पहले कवर्धा, फिर आज साजा में रविंद्र चौबे जी के विधानसभा क्षेत्र में ये हत्या हुई है, जो निंदनीय है और घोर निंदनीय है। छत्तीसगढ़ शासन में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में बेमेतरा जिला साजा विधानसभा के अंतर्गत बीरमपुर का एक छोटा सा कस्बा है सत्तीघाट, वहाँ जो परसों दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके विरोध में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किए हैं और हम जानबूझ करके किसी भी आम जनता को परेशान करने के प्रदेश भाजपा के निर्देश पर, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के निर्देश पर कल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सतवंत सिंह भाटिया जी से सहयोग की अपेक्षा की थी और उन्होंने पूरा सहयोग हमें प्रदान किया है। आज आप जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा छुरिया एकदम कटाकट बंद है, मतलब एक पान ठेला तक खुला नहीं है। मैं सभी व्यापारी बंधुओं को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वो निंदनीय हत्या, निशंस हत्या के विरोध में हमें समर्थन दिया अपना। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। रायपुर में 15 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 466 हो गई है। सरगुजा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, धमतरी और महासमुंद से मिले एक एक मरीज, बलरामपुर और सूरजपुर से दो दो, कोरबा से तीन, दंतेवाड़ा से चार, राजनांदगांव से 10, बिलासपुर से 12 मरीज मिले हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, विश्व हिंदू परिषद का छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है। बंद पर घटना की निंदा करने का विहिप का आग्रह। बड़ी जानकारी आपको बता दें, चक्का जाम कर 40 से 50 घरों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। 302 और हत्या की धारा के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बंद को लेकर पुलिस का पुख्ता इंतजाम भी है। पेट्रोलिंग और कुछ स्थानों पर फिक्स पिकेट्स लगेंगे, नागरिक को परेशानी ना हो और इसको लेकर हेल्पलाइन भी जारी किया गया। हेल्पलाइन नंबर आपको बता दें, 9479191099। जनता से शांति और सद्भाव रखने की भी अपील की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ बंद को लेकर पुलिस का पुख्ता इंतजाम जहां पर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर, आपके टीवी स्क्रीन पर है। बता दें, नागरिक को परेशानी ना हो इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए और इसी को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। इस हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी अप्रिय स्थिति में आप
फोन कर मदद मांग सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर, नागरिक को परेशानी ना हो इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। तो छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है, नागरिक को परेशानी ना हो इसको लेकर प्रतिष्ठान बंद जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। वहीं बेमित्रा जिला के स्वाजराम सभा क्षेत्र में दो समुदाय के बीच विवाद के बाद हुई हत्या मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा अत्यंत निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से साहू समाज के एक 22 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या हुई है, यह अत्यंत हृदय उदारक और अत्यंत निंदनीय घटना है। जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक निर्दोष युवक की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या की है, उनकी माता को बिलखते हुए देखा है, ये दरिंदगी की हद है। रायपुर के बेमित्रा में हुई घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। कहा यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, स्थिति को नियंत्रित किया जा चुका है, पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और राजनीतिक दल और संगठन इस घटना को राजनीतिकरण करने की कोशिश और सांप्रदायिकता को आग में भड़काने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान कर रहे हैं, यह उनका गैर जिम्मेदार रवैया है। सभी पक्षों को समझदारी पूर्वक इस घटना को निपटना चाहिए। बेमित्रा की घटना बेहद ही दुर्भाग्यजनक है, स्थिति को नियंत्रण में किया जा चुका है, पुलिस और प्रशासन वहां पे मुस्तैद है। यह दुर्भाग्यजनक है कि लाशों पे राजनीति करने वाले गिद्ध प्रवृत्ति के राजनीतिक दल और संगठन इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश में है, सांप्रदायिकता की आग को भड़काने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस अवसर पर स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन इस दुर्भाग्यजनक घटना को भुनाने की कोशिश में छत्तीसगढ़ बंद जैसे आह्वान कर रहे हैं, यह इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का फेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार बीजेपी का चेहरा नहीं दिख रहा। साथ ही कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि यह उनका आपसी मुद्दा है। लोगों का भी रोल रहता है, एक हद तक रोल रहता है, लेकिन अंततः मतदाता जागरूक होकर आज ये निर्णय करता है कि अब ये परिस्थिति है, जिनके नाम भी आएंगे अब ये परिस्थिति है। तो हम वोट जो करेंगे विकल्पों में बेस्ट विकल्प कौन सा है, फिर उनको वोट देंगे। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि हमारे जो फेस रहेंगे, आज मुख्यमंत्री जी हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे चुनाव के फेस मुख्यमंत्री के वही रहेंगे। कोई कारण नहीं दिख रहा है कि वो नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री हैं, वो लीड करेंगे चुनाव में। अब उनका क्या होता है समझ के बाहर है, पहले ढाई ढाई साल की बात होती है, अब मुझे लगता है कि इन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि अब उनकी बारी नहीं आने वाली। मुझे जो लगता है टीएस बाबा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई दूसरा चेहरा बदल जाएगा तो हो सकता है दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन जब भूपेश चेहरा रहेगा तो ये बात तय है कि कांग्रेस की क्या दुर्गति इस चुनाव में होने वाली है। इसलिए भूपेश जी टीएस जी चाह रहे हैं कि भूपेश ही चेहरा रहे। बेमित्रा के स्वास्थ्य विधानसभा क्षेत्र में दो समुदायों के बीच विवाद का मामला सामने आया था, जिसमें एक हिंदू की हत्या कर दी गई थी। मामले में अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रामविचार नेताम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। अब इस बारे में तो मुझे मालूम नहीं, मैं पता करता हूं, और इस तरह की अगर घटना हुई है तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और चिंताजनक भी है। इस सरकार के सह से ये सब जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये सरकार के सह से हो रहे हैं,
मैं समझता हूं कि चाहे यहां की घटना हो चाहे कवर्धा की घटना हो, मैं डिटेल में और भी पता करूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से सरकार का सह में सह की वजह से, उनके संरक्षण की वजह से लोगों का, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जसपुर जिले के पहाड़ी कोरबा परिवार के आत्महत्या के मामले में बीजेपी की जांच समिति रिपोर्ट पूरी हो गई है। आत्महत्या मामले में जांच करने वाली टीम ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाते हुए कहा, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरबा संरक्षित जनजाति परिवार के आत्महत्या जांच में हमने पाया 2018 में उन्हें पीएम आवास मिला था। जब बीजेपी जांच दल उनके घर पहुंचा तो उनके घर से चावल तल नहीं थे। नारायण चंदेल ने बताया कि पहाड़ी कोरबा दंपति ने भूख के कारण आत्महत्या की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उस क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई काम नहीं चलाया जाता। इस इलाके में 10 किलोमीटर के क्षेत्र में सिर्फ एक हैंडपंप है, 10 किलोमीटर दूर राशन दिया जाता है, उस क्षेत्र में सड़क भी नहीं है। 137 गांव है जिनमें से 114 गांव में आज भी सड़क नहीं, साथ ही किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा तक नहीं। पहाड़ी कोरबा जनजातीय भाव में ही जी रहा है। मुझे जो लगता है टीएस बाबा इसलिए बोल रहे हैं, अगर कोई दूसरा चेहरा बदल जाएगा तो हो सकता है दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन जब भूपेश चेहरा रहेगा तो ये बात तय है कि कांग्रेस की क्या दुर्गति इस चुनाव में होने वाली है। इसलिए भूपेश जी, टीएस जी चाह रहे हैं कि भूपेश ही चेहरा रहे। तो आपके कहने से लोग पीना शुरू किए थे क्या? मुख्यमंत्री जी का बौद्धिक स्तर क्या है इस बयान से पता चलता है। ये मुख्यमंत्री का बयान नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी के बहुत हल्के बौद्धिक स्तर का जीवंत प्रमाण है। जसपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में पहाड़ी कोरबा परिवार के आत्महत्या के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट पूरी हो गई है। मामले को लेकर हमारी ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व सांसद रामविचार नेताम से खास बातचीत की। जसपुर जिले के बगीचा क्षेत्र में एक ही घर के चार लोगों की मृत्यु होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जांच कमेटी बनाई थी। वो कमेटी पहुंची हुई थी, जांच की हुई थी, आप लोग जांच में गए थे, कमेटी बनाए हुए थे, गए थे, क्या पाया आप लोगों ने? हम लोगों ने यही पाया, जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए और ज्यादा शर्मनाक है। किसी भी राज्य सरकार के जमाने में, किसी भी उसके सरकार के समय में अगर कोई भूख के कारण, रोजगार के अभाव में आत्महत्या करता है और एक नहीं चार, एक दंपत्ति और उसके दो मासूम बच्चे, तो ये इस राज्य सरकार के लिए, भूपेश सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और नैतिकता के नाते एक मिनट भी इस मुख्यमंत्री को अपने पद में रहने का नैतिक अधिकार नहीं, कि जिसके जमाने में, जिसके कार्यकाल में भूख के कारण बिखरता हुआ परिवार फांसी के फंदे को चूम ले। तो आगे आप लोग के क्या कदम होगा? इसकी जानकारी हम महामहिम राष्ट्रपति को देंगे, आज हमारी पार्टी की बैठक है, उसमें हम आगे की रणनीति को तय करेंगे। तो हम अभी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ चर्चा करने के लिए पूरे सांसद नेताम जी भी हैं, आप कमेटी के भी सदस्य हैं, आप भी पहुंचे हुए थे, जांच में क्या पाया? अभी प्रेस में हम लोगों ने पूरी बात को विस्तार से बताया है, इसके बावजूद आपको कुछ चाहिए जानकारी तो मैं पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी जो स्थिति है, नेता प्रतिपक्ष जी ने और बाकी सदस्यों ने जानकारी दिया है। बात तो यहां सबसे दुखद होती है कि मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है और इस दौरे में सरगुजा और जसपुर दोनों जगह जाते हैं, लेकिन इस घटना से जरा भी उन्हें कोई लेस मात्र की चिंता नहीं, दुख नहीं है। ये अपने आप में इस सरकार की मानसिकता का पता चलता है कि ऐसे वर्ग के प्रति, जो हमारे दलित वर्ग है, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, आदिवासी समुदाय है, इस वर्ग के उत्थान के लिए, इनके सर्वांगीण विकास के लिए, इनके लिए जरा भी उस ओर सोच नहीं है।
सिर्फ राजनीति करते हैं। तो जय भारत सत्याग्रह के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरम प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज किया। इस मौके पर आस्थान का अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल अमित खंडेलवाल सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी द्वारा न्यायालय का दुरुपयोग कर संसदीय सदस्यता रद्द करने के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। तो मौके पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीजेपी ने आपको बता दें कि बीजेपी का घेराव किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर बीजेपी का घेराव किया और मौके पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाथों पर तख्ता लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बीजेपी का विरोध किया। डोंगरगढ़ गांव शहर के गरीब मजदूर परिवार को पट्टे का लालच देकर शासन प्रशासन और कांग्रेसियों ने वाहवाही तो लूटी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बता दें कि जिन लोगों को वास्तव में पट्टे की दरकार थी, वे आज भी अपने दस्तावेज लेकर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मामले में राजस्व विभाग अभी तक जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि पट्टे से संबंधित न तो नगर पंचायत कोई रिकॉर्ड है और न ही राजस्व विभाग का। बता दें जिन्होंने कभी कहीं किसी जमीन में कब्जा नहीं किया और उन्हें बगैर कब्जे के रातों रात पट्टे की जमीन दे दी गई। पट्टा वितरण भूमिहीन गरीबों के को किया गया था, लेकिन उनके रसूखदारों को पट्टा वितरण के बाद आम जनता का इस शासन प्रशासन से भरोसा ही उठ गया। छिंदवाड़ा सिवनी मार्ग में यात्रियों से भरी बस तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लगभग 40 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पूरा मामला कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत परापसिया घाट के पास का है, जहां अनियंत्रित होकर बस पलट गई। जबलपुर से छिंदवाड़ा आते समय यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही कुंडीपुरा थाना प्रभारी महेंद्र भगत और स्टाफ मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां घायलों का उपचार जारी है। तेज रफ्तार बस होने के कारण ये हादसा होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज घाट परासे के पास छिंदवाड़ा के एक बस दुर्घटना हो गई है। बस जबलपुर से छिंदवाड़ा आ रही थी, इसमें अभी तक 16 घायल हैं, उनका प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं की गई, घायलों का इलाज अच्छे से हो सके। सर लगभग कितने पैसेंट हैं अभी? लगभग 16 की संख्या है और अभी आते ही जा रहे हैं पैसे। जितने लोग हो जाएंगे अच्छा इलाज कराया जाएगा। अभी अंदर ऑपरेशन थिएटर में है और डॉक्टर जैसा जानकारी देंगे उसके साथ। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।